हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 3 क्लासिक्स फाइबर टू फैब्रिक। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, नेचुरल फाइबर, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, टाइप्स ऑफ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के कपड़े क्या होते हैं, नेचुरल प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, कपड़े का इतिहास क्या है, फाइबर के प्रकार कितने होते हैं, रेशों के प्रकार कितने होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। राज, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस क्लॉथ, व्हाई आर यू टियरिंग इट। तो ये पूछ रहे हैं अपने बेटे से कि राज, तुम इस कपड़े के साथ क्या कर रहे हो, तुम इसे क्यों फाड़ रहे हो। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ आर क्लॉथ मेड ऑफ। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कपड़ा किसका बनता है। तो आइए जाने। द अर्ली मैन यूज टू कवर देयर बॉडी विद द स्किन ऑफ एनिमल्स। आदि मानव जो थे वो अपने शरीर को ढकने का प्रयोग करते थे। किस चीज़ का ढकने के लिए प्रयोग करते थे? एनिमल्स की स्किन का प्रयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ह्यूमन बींग्स लर्न टू मेक क्लॉथ। हजारों साल बाद मनुष्य ने कपड़ा बनाना सीखा। गांधी जी स्टार्टेड खादी आंदोलन डेट बिकेम द सिंबल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस ड्यूरिंग अवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड ए टूल फॉर हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने जो खादी आंदोलन स्टार्ट किया वह क्या बन गया? सिंबल बन गया किसका? जो हमारा क्या हुआ था, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ था उसके प्रति, और एक हथियार की तरह काम किया उसने जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट क्लॉथ्स, हाउ दे आर मेड एंड फ्रॉम वेयर वी गेट रॉ मटेरियल फॉर देम। हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके बारे में? कपड़े के बारे में, वो किसके बने होते हैं और कहाँ से उनके लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, यानी जो कपड़े बनते हैं। तो कॉटन है या जूट है, कई चीज़ों के बनते हैं जो हम आगे चैप्टर में जानेंगे। तो वो चीज़ें कैसे उन्हें प्राप्त होती हैं। क्लॉथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कपड़े जो होते हैं एक जीवन का महत्वपूर्ण आधार होता है, यानी एक महत्वपूर्ण आधारीय आवश्यकता होती है। दे कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। वे हमारे शरीर को ढकते हैं और जो क्या होती हैं, ख़राब मौसम की हालात होते हैं उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, बारिश है इत्यादि। नीट क्लीन एंड वेल स्ट्रेच्ड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। साफ़ सुथरे और अच्छे तरीके से सिले गए कपड़े जो होते हैं वो हमें कैसा दिखाते हैं? स्मार्ट, यानी अच्छा दिखाते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। लोग जो अलग अलग जगह पर रहते हैं वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं वहाँ के मौसम के हिसाब से। पीपल लिविंग इन गुजरात वेयर कॉटन क्लॉथ, वाइल पीपल फ्रॉम कश्मीर वेयर वूलन क्लॉथ। गुजरात में रहने वाले व्यक्ति कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वहीं कश्मीर में रहने वाले ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है और यहाँ गर्मी पड़ती है, ऐसा इसलिए होता है। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड ओकेजन्स। हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं मौसम और उत्सव के आधार पर। यू मस्ट हैव नोटिस डैट द क्लॉथ्स वी वेयर इन समर आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लॉथ्स वी वेयर इन विंटर। तुमने ज़रूर नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जो कपड़े हम गर्मी में पहनते हैं और क्या होता है, जो कपड़े हम जाड़े में पहनते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। द क्लॉथ्स वी वेयर वाइल गोइंग टू स्कूल आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी वेयर ऑन एनी ओकेजन। जो कपड़े हम स्कूल जाते हैं तब पहनते हैं वो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं जब हम किसी उत्सव पर पहनते हैं। वी ऑब्जर्व डैट दीज क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, डिफरेंट इन फील एंड डिफरेंट इन वेट। तो हमने ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि जो कपड़े क्या होते हैं, कि कपड़े होते हैं वो डिफरेंट मटीरियल से बने होते हैं, और जब हमने क्या किया उन्हें, डिफरेंट इन फील, और फील यानी छूने में और टच करने में, महसूस करने में डिफरेंट होते हैं और उनका वजन भी अलग अलग होता है। सम आर सॉफ्ट एंड सम आर नॉट सो सॉफ्ट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं जबकि कुछ नहीं होते, क्योंकि वो अलग अलग फैब्रिक्स से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग कपड़ों से मिलकर बने होते हैं। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट मटीरियल फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे डिफरेंट प्रकार के जो मटेरियल क्या हैं जिनसे कपड़े बनते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, अलग प्रकार के फैब्रिक्स, यानी कपड़े के जो बड़े बड़े थान आते हैं,
कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम कॉमन फैब्रिक्स। तो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी क्या हैं? कुछ कॉमन फैब्रिक्स हैं। लेट अस नो अबाउट सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उनका कुछ बाहरी, यानी बाहरी जो भी प्रॉपर्टी होती, फिजिकल प्रॉपर्टी होती, उनके बारे में जाने। फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब जिन्हें हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि उसमें प्रॉपर्टी क्या पाई जा रही है, उसके रूप रंग में क्या अंतर आ रहा है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि अलग अलग जो हमारी फैब्रिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, कटिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम ए टेलर शॉप, किसी टेलर की दुकान से कटिंग्स ले ली हैं कपड़ों की। फिर इसका प्रोसीडर क्या है, ब्रिंग द कटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक टू द क्लास एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम एज सिल्क, कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, वूलन एक्सेट्रा। तो उनको क्लास में लेके आए, फिर पहचाने कि वो सिल्क है, कॉटन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर या वूलन है। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो। तो नीचे जो एक टेबल दी है उसमें कैसे भरेंगे, जैसे सिल्क है तो सिल्क का जो कैसी होती है टेक्सचर, यानी छूने में स्मूथ है या रफ होती है, तो कैसी होती है, स्मूथ होती है। शाइनी होती है और डल, तो सिल्क कैसी होती है, शाइनी होती है। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी वो कितने, अगर उसमें हम पानी को उसमें डुबोएं, उसको पानी पे डालें उसके ऊपर, तो क्या होगा, पानी को वो सोखती है या सारा निकल जाता है। तो वो क्या करती है, जो सिल्क होती है वो पानी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो ये जब आप क्लास में आएंगे ना, ये एक्टिविटी तब सही से हो पाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगी आप है। फिर चलिए हम आगे देख लेते हैं, एक्टिविटी को अभी छोड़ दीजिए आप, आगे की देखते हैं। फाइबर, व्हाट इज़ अ पीस ऑफ ट्रेड ऑफ ए फैब्रिक मेड अप ऑफ। तो जो क्या होता है फैब्रिक जो होता है एक पीस, व्हाट इज़ अ पीस ऑफ थ्रेड, जो एक धागा होता है वो किस फैब्रिक से मिलकर बना होता है। हैव यू एवर सीन इट क्लोजली, क्या आपने इसे कभी पास से देखा है। यानी जो धागा है वो किसी एक कपड़े का जो धागा है वो किस चीज़ से बना होता है, क्या आपने कभी उसे पास से देखा है। नो, लेट अस टू डू दिस एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए फाइबर एंड ए फैब्रिक। तो फिर से एक एक्टिविटी है जिसमें हम फाइबर और फैब्रिक्स में अंतर जानेंगे कि क्या होती है, देखते हैं। चलिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट द फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ। तो कप जो फैब्रिक्स होते हैं वो किसके बने हैं। वेस्ट कटिंग ऑफ ए कॉटन फैब्रिक, कॉटन के कपड़े से हमने क्या ले लिया, वेस्ट कटिंग ले ली है। ब्रिंग द वेस्ट कटिंग ऑफ ए कॉटन क्लॉथ, एक कॉटन क्लॉथ की क्या लाएंगे, वेस्ट कटिंग लाएंगे। पुल आउट अ लूज थ्रेड फ्रॉम इट, एक धागा इसमें से निकालेंगे। दिस लूज थ्रेड इज कॉल्ड यार्न, जो एक धागा हमने निकाल लिया है उसको यार्न बोला जाता है। नाउ प्लेस द यार्न ऑन द टेबल एंड स्क्रैच इट विद योर नेल्स अलोंग इट्स लेंथ। अब जो धागा हमने निकाला है उसको क्या करेंगे, एक टेबल पे रखेंगे और अपने नाखून की सहायता से उसको लंबा लंबा खींचेंगे। दीज लूज थ्रेड्स और यार्न कैन बी फर्दर स्पिल्ट आउट इनटू सेवरल थिन स्ट्रैंड। ये जो हमने धागा निकाला था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से क्या निकल आएंगे, रेसे निकल आएंगे। दीज थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर, यही छोटे छोटे जो रेसे निकल के आए इनको फाइबर कहते हैं। इंटरफेरेंस, यानी क्या इसका निष्कर्ष निकला, सो आर फैब्रिक इज मेड अप ऑफ लूज थ्रेड कॉल्ड यार्न एंड यार्न आर मेड अप ऑफ वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो हमने ये जाना कि जो फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो किसके बने होते हैं, धागे यानी यार्न से मिलकर बनते हैं, और यार्न किससे मिलकर बनता है, फाइबर से मिलकर के बनते हैं। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या है, अभी तक आप इतना पढ़ेंगे और समझेंगे।